किए हैं सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। जो कलमा कम पढ़ते वही तो वो भी पढ़ते हैं, फर्क इतना है। दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो बड़ी मूर्ति, एक बड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की, ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, यह मदरसा खान का मजार है, ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है, जो काम इस पे हो रहा वही काम तो इस पे भी हो रहा, वरना मुझे बता दो। हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान, ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम, यहाँ पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक, हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान उसके मौके पर कब धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान, जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आती नहीं हूँ, लेकिन आज जज्बात में हूँ, मैं ये फतवा दे के चला जाता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, अगर ये जन्नत के अंदर चला गया तो काबे के रब की कदम खा के कहता हूँ कि भारत का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाए।